गच्छति। राम राम, मैं पंडित एसके मिश्र। अगर आप चाहते हैं किसी को भी अपने बस में करना, चाहे आप युवक हैं युवती हैं, और किसी को भी अपने बस में करना चाहते हैं, चाहे वो युवक हो युवती हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक बालिका कोई भी हो, एक पुरुष स्त्री को बस में कर सकता है, एक स्त्री पुरुष को बस में कर सकती है, एक पुरुष पुरुष को बस में कर सकता है, उसी प्रकार एक स्त्री को बस में कर सकती है। अर्थात इस छोटे से प्रयोग से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, किसी को भी। मगर आप लोगों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि कदापि मेरे द्वारा बताए गए इस प्रकार के यंत्र का कदापि दुरुपयोग ना करें। समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के जो भी यंत्र तंत्र मंत्र जो भी उपाय मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, यह मानता हूं कि इससे किसी का घर बस जाए, किसी के घर को तोड़ने के उद्देश्य से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। अगर आपके रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न होते होते तलाक तक की नौबत आ गई है, या आप किससे प्रेम करते हैं दूरियां बढ़ते बढ़ते मनमुटाव होते होते ब्रेकअप तक की नौबत आ रही है, या ब्रेकअप न भी हो तलाक न भी हो मगर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आप जहाँ पे रहती हैं ससुराल में, वहाँ पर पति हैं, देवरानी है, जेठानी है, देवर हैं, सास ससुर, जो भी रिश्ता है आपका, उनसे आप चाहते हैं कि आपकी प्रगाढ़ता हो जाए, इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता ला सकती है, अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए इसका प्रयोग करें। मगर कदापि किसी को चीट करने के उद्देश्य से, धोखा देने के उद्देश्य से, ब्लैकमेल करने के नियत से इसका दुरुपयोग कदापि न करें। इसमें क्या करना है, जिस पात्र से आप किसी को जल पिलाते हैं, वो जग हो सकता है, लोटा हो सकता है, गिलास हो सकता है, या कोई बर्तन हो सकता है, उसके नीचे सिंदूर कुमकुम से मैं जो यंत्र बता रहा हूं उसको लिख लेना है। उसके बाद जो भी इस पात्र से पानी पिएगा या चाय पिएगा या कुछ भी खाएगा पिएगा, स्वाभाविक है कि पीने के पात्र से कोई खाना तो खाएगा नहीं, कुछ न कुछ पिएगा ही, चाहे वो ठंडा हो, कुछ गर्म हो या नॉर्मल पानी हो, कुछ भी आप पिला देंगे और जो भी पी लेगा वह आपके बस में होगा। सर्वप्रथम आपको किसी पात्र की आवश्यकता है जिसमें आप किसी को जल पिलाते हैं या पिलाती हैं, उसके बाद कुमकुम सिंदूर का प्रयोग करना है, उसको भी आपको ला लेना है। इन दोनों को इकट्ठा करके किसी एकांत कमरे का चयन करना है, जहाँ कोई शोरगुल न हो, न शोरगुल होने की संभावना हो, किसी आसन का प्रयोग कर लेना है बैठने के लिए, आपका मुख उत्तर हो या पूरब हो। आसन का मतलब यह होता है जो ऊर्जा का कुचालक हो, ऐसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। उनका बना आसन हो, कुश का बना आसन हो, कंबल का बना आसन हो, जो भी आसन आपको आसानी से मिल जाए उस आसन का प्रयोग कर लीजिए। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रक्रिया करें, सफलता अवश्य ही मिले। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश मिल चुका है। इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो यंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखें और सुने। यंत्र इस प्रकार से है, चार लाइनिंग आपको खींच लेना है वर्गाकार रूप में, ऊपर नीचे हर जगह, और जिस तरह लिखा है ऊपर लिखना है 61, 62, 28, उसके नीचे लिखना है 73, 65, 64, फिर नीचे लिखना है 67, 62, 91, फिर नीचे लिखा गया है 4, 6, 63, 61। इसको जो यंत्र है उसे कुमकुम सिंदूर से लोटे के नीचे या जग के नीचे लिख लेना है। अब जो भी इससे कुछ भी पिएगा वह आपके बसभूत हो जाएगा, वह आपके आकर्षक पास में बन जाएगा और आप जैसा चाहेंगे या चाहेंगी वैसा ही वो करेगा। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया, ऐसा आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करता सकता, पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान करूँगा।
धन्यवाद। राम राम।